Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we are going to discuss about management of the second stage of normal labor. Last video में हमने first stage management के बारे में देखा था, उसके बाद अब हम second stage के बारे में देखेंगे कि second stage को कैसे manage किया जाता है. Generally, labor में second stage के दौरान fetus और baby की delivery होती है through vagina. इतनी इवेंट जो है वो सेकेंड स्टेज में इन्वॉल्व होती है. सो कुछ फीचर्स दिए हैं यहाँ पे जिसे हम ट्रांजिशन कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज. तो जिसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस, कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो पहले माइल्ड टू मॉडरेट थे वो अभी स्ट्रांग हो जाएंगे. बेरिंग डाउन एफर्ट्स, कंप्लीट सर्विक्स फुल्ली डायलेट होने के बाद जब हेड जो है वो पेरिनियम नोड को टच करेगा तो मदर को बेरिंग डाउन एफर्ट्स ऐसे रिफ्लेक्सेस आएंगे, तब वो चाके भी उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगी. अर्ज टू पुश और डेफिकेट विद डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट. सो जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि फिटल हेड वजाइनल कैनाल में धीरे धीरे डिसेंट होता जाएगा, वैसे उसका प्रेशर जो है वो रेक्टम पे आएगा, तो जिसकी वजह से डेफिकेशन की अर्ज आएगी जो यूजुअली इररेजिस्टेबल रहती है. देन कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एज एविडेंस्ड ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन. यानी कि सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ है ये आप कैसे एविडेंस या कैसे कंफर्म कह सकते हो, थ्रू पर वजाइनल एग्जामिनेशन, कि जिसमें सर्विक्स जो है वो कंप्लीटली डायलेटेड होता है और प्रैक्टिकली आपको सर्विक्स फील होना ही बंद हो जाता है, सिर्फ फीटल हेड ही फील होता है. सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि टू असिस्ट इन नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ फीटस स्लोली एंड स्टेडीली. तो नेचुरली विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट या मच इंटरवेंशन फीटस जो है वो स्लोली और स्टेडीली डिलीवर होना चाहिए. बहुत फास्ट और सडन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होने की वजह से पेरिनियल इंजुरी हो सकती है. अगर वो बहुत डीप इंजुरी है तो यूरेथ्रा और इवन रेक्टम या एनल कैनल इंजुरी भी वो कर सकता है. देन सेम चीज है कि स्लो स्टेडीली डिलीवरी सपोर्ट करने की वजह से आप पेरिनियल इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हो. देन जनरल मेजर्स की हम बात करें तो उसमें पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली बेड पे ही रहना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की तरह आप पेशेंट को मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकते. फीटल हार्ट रेट जो है वो एवरी 5 मिनट आपको चेक करने हैं और फिर रिकॉर्ड करना है, और अगर इस दौरान बहुत ही पेन हो है अगर पेशेंट को तो आप इनहेलेशन एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हो जैसे कि N2O और O2 टू रिलीव द पेन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस. क्योंकि यहाँ पे आप पेथिडीन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर डिलीवरी विद इन 4 आवर या 2 आवर एंटिसिपेटेड है तो पेथिडीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आप यहाँ पे O2 या N2O यूज कर सकते हो. और वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो सेकेंड स्टेज के शुरुआत में किया जाता है टू कंफर्म इट्स स्टार्टिंग एंड टू डिटेक्ट एनी एक्सीडेंटल कॉर्ड प्रोलैप्स. यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कुछ कंडीशन में प्रोलैप्स हो जाती है, खास तौर पे जहाँ पे एंगेजमेंट सेकेंड स्टेज में होता है या पॉलीहाइड्रोमिया है, तो ऐसे केसेस में कॉर्ड प्रोलैप्स के चांस बढ़ जाते हैं. एंड द पोजिशन एंड स्टेशन ऑफ हेड जो है वो वंस अगेन चेक करना चाहिए कि प्रोग्रेसिव डिसेंट है या नहीं, तो उसके हिसाब से आप सेकेंड स्टेज प्रोलोंग है या सेकेंड स्टेज ऑब्स्ट्रक्शन है या नॉर्मल सेकेंड स्टेज है वैसा आप डिसाइड कर सकते हो. देन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी. प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी में फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन. सो वुमन की पोजिशन जो है वो लेटरल होनी चाहिए, स्क्वेटिंग होनी चाहिए या पार्शियल सिटिंग होनी चाहिए, यानी 45 डिग्री पेशेंट का बैक जो है वो टिल्टेड होना चाहिए, या तो डॉर्सल पोजिशन विथ 15 डिग्री लेटरल टिल्ट जो है वो कॉमनली फेवरेबल पोजिशन मानी जाती है क्योंकि उसमें अयोटो केवल कंप्रेशन नहीं होता या आप उसे अवॉइड कर सकते हो, एंड इजिली पुशिंग एफर्ट्स को आप फैसिलिटेट कर सकते हो. एंड बाद में फिर पेशेंट का जो पार्ट है उसे स्क्रब किया जाता है. डॉक्टर्स जो है वो खुद के हैंड्स प्रॉपरली स्क्रब करते हैं, स्टराइल गाउन पहनते हैं, ग्लोव्स एंड मास्क पहनते हैं, एंड पेशेंट की राइट साइड पे वेट करते हैं क्राउनिंग फेस का. देन टॉयलेटिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटालिया में जैसे हम फर्स्ट स्टेज में देखा था वैसा ही यहाँ पे है कि कॉटन स्वैब से डेटोल सॉल्यूशन में सोक करना है और उससे वहां पे पूरा
टॉयलेटिंग करना है, क्लीनिंग करना है, और उसके बाद एक स्टराइल शीट जो है वो बीनीथ द बटक्स प्लेस करनी है एंड एक शीट जो है वो एब्डोमेन पे प्लेस करनी है। फिर स्टराइल लेगिन से पेशेंट के दोनों लेग्स अप टू थाई रीजन, इनर थाई रीजन कवर किए जाते हैं। देन एंटीसेप्टिक प्रोसीजर में 3 C हमें याद रखा जाता है कि डॉक्टर्स के हैंड जो है वो क्लीन होने चाहिए। तो फर्स्ट सी है वो क्लीन हैंड्स, सेकेंड सी है क्लीन सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पे पेशेंट को लेटाया जाता है, पेशेंट को जो भी टॉवेल्स आप कवर कर रहे हो, फिर जो ट्रे है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स रखते हो, ये सारी सरफेस जो है वो क्लीन होनी चाहिए। देन क्लीन कटिंग एंड लाइगेचरिंग ऑफ द कॉर्ड। फिर फीटस की डिलीवरी के बाद जब भी आप अम्बेलिकल कॉर्ड कट करते हो तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्लीन होने चाहिए, लाइगेचर जो आप यूज करते हो वो पूरा क्लीन होना चाहिए, एंड ओवरऑल पूरी कॉर्ड कटिंग एंड क्लैंपिंग की प्रोसीजर क्लीन होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर कैथेटर पेशेंट को किया जाता है, अगर उसका ब्लैडर फुल है तो उसको कैथेटराइज किया जाता है और ब्लैडर एम्प्टी की जाती है। देन कंडक्शन ऑफ डिलीवरी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड डिलीवरी ऑफ ट्रंक। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कंडक्शन ऑफ लेबर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स एंड डिलीवरी ऑफ ट्रंक। डिलीवरी ऑफ हेड में जो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं उसमें मेन क्या है कि आपको फीटल हेड का फ्लेक्शन मेंटेन रखना है टू प्रिवेंट इट्स अर्ली एक्सटेंशन एंड टू रेगुलेट इट्स स्लो एस्केप फ्रॉम वल्वल आउटलेट। मीन्स वल्वल आउटलेट से वो धीरे से बाहर डिलीवर होना चाहिए, सडनली फोर्सिबली नहीं होना चाहिए और अर्ली एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हेड फीटस का हेड जो है वो फ्लेक्स्ड है, यानी कि उसकी चिन अपने उसके स्टर्नम के साथ टच्ड है, तो बहुत ही लेसर डायमीटर जो है वो वल्वल आउटलेट को ओपन करके फिर डिलीवर होगा। अगर वो अर्ली एक्सटेंड हो जाता है तो उसका डायमीटर चेंज होके ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा डायमीटर होने की वजह से वल्वल आउटलेट पे वो अटक भी सकता है, या तो फोर्सिबल डिलीवरी के साथ वो पेरिनियल टेयर या इंजुरी भी कर सकता है। तो इसलिए फ्लेक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन पेशेंट को बेरिंग डाउन एफर्ट्स देने के लिए एनकरेज किया जाता है। कब उसे करने चाहिए बेरिंग डाउन एफर्ट्स? जब कॉन्ट्रेक्शंस हो तभी करने चाहिए, जिसकी वजह से इजी जो फीटल हेड है वो डिसेंट हो सकता है। और जब भी स्कैल्प 5 सेंटीमीटर विजिबल है थ्रू वल्वल आउटलेट, तब तक आपको फ्लेक्शन जो है वो फीटल हेड का मेंटेन रखना है, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस। और वो कैसे अचीव होता है? बाय पुशिंग द ऑक्सीपुट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड वाइल प्रेसिंग द पेरिनियम बाय राइट पाम विथ स्टराइल वल्वल पैड। अगर इस दौरान पेशेंट स्टूल पास करते हैं तो उसे क्लीन किया जाता है और उस रीजन को वॉश किया जाता है एंटीसेप्टिक लोशन से। क्योंकि क्या है कि अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो, लोशन से साफ नहीं करते हो या सॉल्यूशन से साफ नहीं करते हो, तो जो वो स्टूल जो फिकल मैटर है उसका इन्फेक्शन बेबी को भी लग सकता है। सो हियर यू कैन सी कि हम फ्लेक्शन कैसे मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्राउनिंग फेज दिखाया है कि जब यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीपुट जो है वो डिलीवर हो चुका है और ये जो पर्टिकुलर डायमीटर है वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच कर रहा है। ये सेकेंड डायमीटर में इस तरीके से जो यहाँ पे ऑक्सीपुट है फीटस का, वहां पे थंब रखा जाता है और नीचे की ओर 2 फिंगर रखी जाती है और उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाता है ताकि उसका जो फ्लेक्शन है वो मेंटेन रहे। सेम थिंग यहाँ पे दिखाई गई है, ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन जो आप देख रहे हो जहाँ पे मैं एरो को सर्क्यूलेट कर रही हूँ, ये लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहनी चाहिए और फ्लेक्शन यहाँ पे जो है चीन जो है वो स्टर्नम को टच्ड होनी चाहिए। तो ये लेसर डायमीटर जो है वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करके फिर डिलीवरी होगी। यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये क्राउनिंग पिक की पिक्चर है जहाँ पे वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करके आपको फीटल हेड 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। द प्रोसेस इज रिपीटेड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रेक्शंस अंटिल द सब ऑक्सीपुट इज प्लेस्ड अंडर दिस सिम्फाइसिस क्यूबिस। मतलब ये जो फ्लेक्शन मेंटेन करने की प्रोसेस है उसको तब तक किया जाता है जब तक ये ऑक्सीपुट, यहाँ पे हियर यू कैन सी, ये सब ऑक्सीपुट जो है ये सिम्फाइसिस क्यूबिस है उसके नीचे प्लेस ना हो जाए, तब तक आपको फ्लेक्शन मेंटेन रखना है। इस स्टेज पे मैक्सिमम डायमीटर जो है वो फिटल हेड का बाईपराइटल डायमीटर, यानी कि ये वाला डायमीटर जहाँ पे ये एरो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू
दिस पॉइंट, ये जो दोनों पराइटल बोन है, फ्रॉम वन पराइटल बोन टू अनदर पराइटल बोन, ये बाई पराइटल डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करेगा विदाउट एनी रिसेशन ऑफ हेड, इवन आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन इज ओवर, कॉल्ड क्राउनिंग ऑफ हेड। यानी कि कॉन्ट्रेक्शन खत्म होने के बाद जनरली क्या होता है, हेड थोड़ा सा पीछे मूव हो जाता है टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी, लेकिन क्राउनिंग फेज में कॉन्ट्रेक्शन खत्म होने के बाद भी ये हेड पीछे मूव नहीं होगा, उसमें रिसेशन नहीं आएगा। इस फेज को हम कहते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। सो द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द फ्लेक्शन ऑफ हेड इज टू एंश्योर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि द स्मॉल सब ऑक्सीपिटो डायमीटर जो है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, वो वल्वल आउटलेट को डिस्टेंस करे, ना कि लार्ज ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो 11.5 सेंटीमीटर का है, अगर वो वल्वल आउटलेट को डिस्टेंस या स्ट्रेच करेगा तो पेरिनियल इंजुरी होना कंफर्म है। When the perineum is stretched, then वो जो है वो उसमें टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडी। तो हम क्या करते हैं कि एपिजियोटॉमी परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर फेज पे, क्राउनिंग फेज पे, जिसमें हम इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया परफॉर्म करते हैं 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन मेडिसिन से। देन बल्जिंग एंड थिनिंग आउट ऑफ पेरिनियम इज अ बेटर कंडीशन। मीन्स क्या होता है कि हम क्राउनिंग फेज पे ही क्यों हम एपिजियोटॉमी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस दौरान जो पेरिनियम है वो भी बल्ज होता है और थिन हो जाता है, जो यूजुअली पहले 4 सेंटीमीटर का होता है और क्राउनिंग पे 1 सेंटीमीटर का हो जाता है, और इस दौरान 5 सेंटीमीटर स्कैल्प की विजिबिलिटी भी होती है। तो ऐसे टाइम पे आप एपिजियोटॉमी परफॉर्म कर सकते हो, एंड वो सिलेक्टिव होनी चाहिए, एज अ रूटीन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एपिजियोटॉमी सिलेक्टिव मतलब क्या है कि जो पेशेंट को जरूरत है उसमें ही आप एपिजियोटॉमी परफॉर्म करते हो, जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि एपिजियोटॉमी कब किया जाता है। देन स्लो डिलीवरी ऑफ हेड जो है वो इन बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन यानी कि रिलैक्सेशन फेज में की जाती है, और इस दौरान जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है वो एमर्जेस यानी कि डिलीवर होगा, एंड इट इज अकम्प्लिश्ड बाय पुशिंग द चिन विथ स्टराइल कवर्ड स्टराइल टवेल कवर्ड फिंगर ऑफ राइट हैंड प्लेस्ड ओवर द इनोकोक्सीजियल रीजन, वाइल द लेफ्ट हैंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑक्सीपुट। फिर डिलीवरी के टाइम पे जब ये सब ऑक्सीपुट है वो सिंफाइसिस प्यूबिस के आगे प्लेस हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड है यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसे स्टराइल टॉवेल से कवर किया जाता है और चिन को पुश किया जाता है, यानी कि बेबी के हेड को एक्सटेंड किया जाता है। फिर फोरहेड नोज माउथ एंड चिन, इस तरीके से डिलीवरी जो है वो कंप्लीट होती है बाय एक्सटेंशन। फिर केयर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ हेड, अब हेड डिलीवरी होने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो माउथ एंड फेरिंग्स के अंदर जो ब्लड और म्यूकस है उसे वाइप किया जाता है स्टराइल गॉस पीस से, जो लिटिल फिंगर में कवर किया जाता है और जस्ट वाइप किया जाता है बेबी की ओरल कैविटी में। फिर अल्टरनेटिवली अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सकर भी आप यूज कर सकते हो, और ये सिंपल प्रोसीजर से क्या फायदा होता है कि म्यूकस से जो एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है कई बार बेबी का, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो बाय वाइपिंग द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स थ्रू गॉसपिस और बाय सक्शन। देन द आईलिड्स जो होती है उसे स्टराइल कॉटन स्वैब से क्लीन किया जाता है, और दोनों आई के लिए अलग अलग स्टराइल स्वैब यूज किए जाते हैं, एंड मीडियल साइड से लेके लेटरल कैंथस तक, मतलब नोज जो आई का जो नोज साइड का पोर्शन है वहां से शुरू करके टुवर्ड्स ईयर, ऐसे इस तरीके से क्लीन किया जाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि जो कंजंक्टाइवल सैक का जो कंटामिनेशन है उसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। देन नेक को बाद में पालपेट किया जाता है, अगर वहां पे कोई लूप ऑफ कॉर्ड या कोई कॉर्ड एंटेंगल हो गई है नेक के आसपास तो उसे सबसे पहले रिलीज किया जाता है, अगर लूज है तो उसे आप आसानी से रिलीज कर सकते हो, लेकिन अगर टाइट है तो उसको उसी पर्टिकुलर फेस पे आपको दोनों साइड पे क्लैंप करके फिर किया जाता है, ये केयर ली जाती है कि बेबी को इंजुरी ना हो। फिर उसके बाद पेरिनियल लेसरेशन को प्रिवेंट करने के लिए
वहां पे ये बताया गया है कि कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ हेड बहुत जरूरी है। अगर आप विगरसली या सडन डिलीवरी हो जाती है तो फिर पेरिनल लेसरेशन बढ़ जाता है। फिर अर्ली एक्सटेंशन से डिलीवरी अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, आगे भी हमने डिस्कस किया है, तो फ्लेक्शन ऑफ सब ऑक्सीपुट जो है वो मेंटेन रखा जाता है, और ताकि उसका 10 सेंटीमीटर वाला जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है वो डिलीवर होगा। देन स्पॉन्टेनियस फोर्सिबल डिलीवरी जो है हेड की, वो अवॉइड की जाती है, जिसकी वजह से आप क्या क्या इंश्योर कर सकते हो वो कराने के लिए, तो कि द हेड जो है वो कॉन्ट्रेक्शन के बीच में डिलीवर होना चाहिए, टाइमली एपिजियोटॉमी परफॉर्म होनी चाहिए, और शोल्डर डिलीवरी के दौरान भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया है या नॉर्मल डिलीवरी भी है शोल्डर्स की, तो उसके दौरान भी सडन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, स्लो डिलीवरी ऑफ शोल्डर होना चाहिए। तो डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स में क्या किया जाता है कि नॉट टू बी हेस्टी इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स, बहुत ज्यादा जल्दी या उतावलापन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर कॉन्ट्रेक्शंस, अगर एक कॉन्ट्रेक्शन आता है देन आप शोल्डर डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन के बाद हेड जो है उसका एक्सटर्नल रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल रोटेशन है उस साइड में आपको हेड को टर्न करना है। जैसे हेड का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे क्या होगा, जो बाई एक्रोमियल डायमीटर है यानी कि एंटीरियर शोल्डर एंड पोस्टीरियर शोल्डर जो है वो पेल्विस में फिक्स हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। सो ड्यूरिंग उसके बाद वाला जो कॉन्ट्रेक्शन आएगा तब एंटीरियर शोल्डर बॉर्न होगा बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अगर उसमें डिले है तो आप हेड को ग्रेस करके दोनों हाथों से डाउनवर्ड अगर पोस्टीरियरली उसे पुश करते हो तो एंटीरियर शोल्डर रिलीज होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने से पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होगा थ्रू पेरिनियम। देन द ट्रैक्शन ऑफ हेड जब भी आप करते हो तो वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए, गलती से भी नेक में स्ट्रेचिंग इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो इंजर हो सकते हैं, या नेक में हेमेटोमा हो सकता है, या फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल भी हो सकता है। देन डिलीवरी ऑफ ट्रंक के दौरान शोल्डर डिलीवरी के बाद 4 फिंगर ऑफ ईच हैंड्स जो है वो बेबी के दोनों एक्जिला में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बाई जेंटल लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी परफॉर्म की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स।